प्रिय बंधुओं, मैं योगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आंसू लिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान, अपने पूर्व के दो बेडियो में हिंदी के क वर्ग और च वर्ग को मैंने बताया। अब वीडियो थर्ड में आगे बढ़ते हुए टवर्ग से हम व्यंजन को जानेंगे। तो टवर्ग पहले लिख लेते हैं, ट ठ ड ढ और ण। ये टवर्ग 90 डिग्री के एंगल पर होगा। एक सीधी रेखा, रेखा की लंबाई तो आपको पता है 5 cm, हल्की व्यंजन होगी। और इस हल्की व्यंजन को ट से ट लिख करके काट देंगे तो ठ बनेगा। इसी ट को मोटा कर देंगे तो ड बनेगा, और मोटा करके काट देंगे तो ढ बनेगा। और अंगों वाला सिंबल जो पहले आप यो में भी पढ़े हैं, हल्का रहता है, तो इसको हल्का लिख करके और काट देते हैं, ये अण बनता है। ये सभी इस चार व्यंजन को ऊपर से नीचे लिखा गया है। ये अधोमुखी व्यंजन है, इसको अधोमुखी कहते हैं, अधोमुखी व्यंजन। और ये समतल है, ये बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, समतल है। अब ये देखें, ये लाइट है, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं इसको, ये लाइट है, ये डीप है, ये डीप है, और ये लाइट होगा। समझ गए ट वर्ग। अब त वर्ग के लिए चलिए, यहाँ पर लिखेंगे त थ द ध और न। त वर्ग में दोनों साइड का कर्व बीच में निकला हुआ रहता है। ये कर्व स्टॉक है, वक्र व्यंजन रेखा है। तो इधर से भी हल्की लिखेंगे, दोनों तरफ से तो होता है, दोनों अलग अलग तो है। हमको कब किसका प्रयोग करना है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आगे के तरफ त वर्ग का बाएं दाएं कर्व का प्रयोग पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी व्यंजन में आप दोनों कर्व को याद रखेंगे। तो हो गया, इस त को काट देने से थ बनता है, और इसको भी काट देने पर थ बनेगा। इसको मोटा कर देने से द बनेगा, इसको भी मोटा कर देंगे तो द बनेगा। इस द को काट देंगे तो ध बनेगा, इसको भी काटेंगे तो ध बनेगा। और अणा वाला नोटेशन बिना काटे हुए, यानी य का जो सिंबल था वही सिंबल आपको नौ के लिए इस्तेमाल करना है। दोनों सेम सिंबल होता है, नौ और य का। ठीक, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, हम आपको लिख दे रहे हैं कि नौ और य का सिंबल सेम है। और यहाँ ऊपर से नीचे ये व्यंजन, चार व्यंजन ऊपर से नीचे है। ठीक, ये लाइट होता है, ये लाइट होता है, ये डीप और ये डीप, ये लाइट होता है। ठीक, ये सभी अधोमुखी व्यंजन हैं, अधोमुखी व्यंजन। और ये तो समतल व्यंजन है, ये तो आप समझ रहे हैं, समतल व्यंजन। अब प वर्ग के लिए चलें, तो यहाँ होगा प, सभी व्यंजन लाइन पर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। प फ ब भ और ये म, ये पांच व्यंजन हुआ। तो प वर्ग को 120 डिग्री के एंगल पर हम लिखेंगे, ये प हो जाएगा लाइट में, और फ को हम कर्व में लिखते हैं। इसी प को स्ट्रोक को हम कर्व में लिखेंगे, फ बनेगा, ये लाइट में होगा।
और इस प को मोटा करने पर ब बनता है। आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारी प्रणालियों में प को ही काटकर फ लिखा गया है, लेकिन फ को कर्व में इसलिए लिखा गया है कि आगे की तरफ चलकर फ को हमको दाहिना कर्व भी प्रयोग में लेना है, जो हमको बहुत स्पीड क्षमता में मदद करती है, इसलिए फ को कर्व में रखना आवश्यक है। ये राइटर ने अपनी मैंने शोध के आधार पर इसको फ को कर्व में रखा है, इसलिए साधित है, आप कन्फ्यूज ना होंगे और फ को कर्व में ही लिखेंगे। फ का ही रूप बिना कटे हुए मोटा भ होता है, ठीक ना। कर्व स्ट्रोक में शुरू में ही हमने बता दिया है कि ये कर्व कहाँ से लिया गया है, सब कर्व को हमने दर्शाया था, और यहाँ देखिए म ये ऐसे व्यंजन होगा। ये चार व्यंजन ऊपर से नीचे लिखे गए हैं, ये चार व्यंजन ये भी अधोमुखी हैं, अधोमुखी व्यंजन, और ये तो बाएं से दाएं है ये, और इसमें है ये लाइट है, ये लाइट है, ये डीप दोनों है, और इसके बाद ये लाइट है। अब हम प वर्ग हो गया य वर्ग को चलें, तो य ये य व्यंजन है, य र ल व तलाबेश मूर्धन्यश दंतेश और ह, ये व्यंजन। हाँ, यहाँ पर हम प वर्ग में एंगल थोड़ा छोड़ दिए हैं, देखिए ये तो कर्व स्ट्रोक है, इसका कोई एंगल नहीं देंगे, ये एंगल 120 डिग्री पर है, और म तो कर्व है और ये कर्व है, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ चलिए य वर्ग, ये 30 डिग्री के एंगल पर य होता है, 30 पर र होता है, ल कर्व होता है, व भी 30 डिग्री पर होता है, तलाबेश मूर्धन्यश दंतेश कर्व होता है, और ह 30 डिग्री पर होता है। तो अब चलें इसको हम स्ट्रोक देखें, य को नीचे से ऊपर एक छोटा हुक बनाते हुए और स्ट्रोक की लंबाई वहीं पहुँचिए, तो य बिना हुक का र, इधर से होगा ल और इधर हुक बनाकर व, ये सभी व्यंजन नीचे से ऊपर लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊर्ध्वमुखी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए तलाबेश और मूर्धन्यश, दाहिने कर्भ से सेम व्यंजन है, सेम व्यंजन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों का कर्व ऊपर से नीचे होता है और दोनों सेम ही लिखा जाता है। ये फ वाला और भ वाला जो कर्व देखे हैं ऊपर, इसी कर्व से दंतेश लिखा जाता है, ध्यान यही रहना चाहिए कि दंतेश फ में कटा हुआ है और दंतेश बिना कटा हुआ होगा, ये भी लाइट में होगा, ये सभी व्यंजन लाइट हैं, ठीक, सभी व्यंजन लाइट हैं, दंते सभी लाइट होगा, और ह का दो एक सर्किल नीचे से बनाकर ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर, और एक ऊपर से सर्किल बनाकर ह 30 डिग्री के एंगल पर रहेगा, और इसको भी लाइट ही लिखते हैं। इसमें ह का दिशा नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, दो प्रकार से होती है। इस प्रकार से टोटल हिंदी का व्यंजन दो वीडियो में हमने समाप्त किया है, वीडियो सेकंड और थर्ड में, और सभी व्यंजन आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। कुछ व्यंजन और है, जैसे हम लिखते हैं बड़ी र बड़ी ढ, एक फ होता है, बड़ी र और बड़ी ढ को देख लीजिए, र को काट करके लिखते हैं बड़ी र और बड़ी ढ, स्वाभाविक है कि र जो दो प्रकार की होती है, एक र यहाँ पर हमने बताया कि अपवर्ड है यानी ऊर्ध्वमुखी लिखी गई है, इसका अधोमुखी रूप भी होता है र इधर से इधर, ये ऊपर से नीचे, र दो प्रकार से होती है, तो बड़ी र भी दो प्रकार की हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर से नीचे और काट देंगे, इसका
प्रयोग आगे मिलेगा आपको आगे के चैप्टरों में। अभी सभी व्यंजन, सभी व्यंजन लाइन पर लिखे जाते हैं, लिखे भी गए हैं लाइन पर, सभी व्यंजन लिखे गए हैं। आपको उसका ध्यान रखना है कि लाइन के ऊपर नीचे कहीं नहीं लिखना है, व्यंजन को लाइन पर लिखना है। इस प्रकार से ये टोटल व्यंजन का प्रैक्टिस आपको 2-3 दिन खूब प्रैक्टिस पेज पर टोटल रूप में करना है, एक एक बार लिख कर नहीं। आपने जैसे एग्जाम्पल में हमने बता रहा है, जैसे य आपने लिख दिया और बार बार लिखेंगे य य य य यो यो यो, इस प्रकार से आप टोटल व्यंजन को प्रैक्टिस करेंगे। शुरू से लेकर क वर्ग से लेकर य वर्ग तक का टोटल व्यंजन आप प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 दिन के प्रैक्टिस के बाद इस पर कमांड हो जाएगा। लिख कर प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करनी है, क्योंकि याद करने से व्यंजन पर फिंगर नहीं बैठता। इसलिए आपको पूरा पेज रिवाइज करनी है, 2-4 पेज तक आपको रिवाइज करेंगे तो खुद ही फिंगर बैठ जाएगी और आपको जब व्यंजन बोला जाएगा तो आप स्वतः लिख सकेंगे। इस प्रकार से हम कॉन्सोनेंट यानी ये जो व्यंजन है, व्यंजन रेखा की जानकारी हिंदी में हम समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा व्यंजन का जोग, जो छोटा सा वीडियो होगा, हम आपको उसकी जानकारियाँ देंगे। उसके बाद भावल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स।